आजमगढ़ कोविशील्ड टीकाकरण में आज मंडली जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में जिलाधिकारी राजेश कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व गुरु प्रसाद, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव कुमार, आईएएस सहित राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने कोविशील्ड टीका लगवाया। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि आज कोविशील्ड टीका फ्रंट लाइन वर्करों को दिया जा रहा है। आज हम सब लोग कोविड का टीका लगवाकर बाहर आए हैं एवं इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। यह टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है। यह वैक्सीन भारत में बनी है। टीकाकरण स्थलों पर जब भी समय आए तो टीकाकरण आकर अवश्य करा ले। अब तक जनपद में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों एवं कर्मचारियों को 11,000 टीके लग चुके हैं। आगे जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड शील्ड का टीका सुरक्षित और असरदार है। कोविड का टीकाकरण 2 बार कराया जाएगा। पहला टीका लगने के 28 दिन बाद दूसरा टीका लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। आज 5 फरवरी को कोविड का वैक्सीन आज दिया गया है। सभी प्रशासनिक अधिकारी फ्रंटलाइन वर्कर्स का आज वैक्सीनेशन है, तो हमारे द्वारा वैक्सीनेशन लिया गया। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, भारत में बनी हुई वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है, इसका भी जो समय दिया जाता है वैक्सीनेशन का, वैक्सीनेशन कराने आए और कोविड से अपने आप को बचाव के लिए जो प्रक्रिया है वो पूरी करें। अभी एडीएम साहब, सभी तीनों एडीएम हमारे साथ हैं, एसडीएम साहब हैं और बाकी सभी प्रशासनिक और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं वो अधिकारी अपने अपने बूथ पे जो जो असाइन हो वहाँ पे जाके अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। सर, जनता को क्या संदेश देना चाहें? मेरा जनता से यही अपील है कि जब तक कोविड का वैक्सीन नहीं हो जाता है, वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है, तब तक आप अपना मास्क और बाकी जो सुरक्षित जो निर्देश दिए गए हैं, जैसे मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है, वो सब जरूर करें। और वैक्सीनेशन कराने के लिए जो उनको समय दिया जाता है, वैक्सीनेशन कराने जब उनका समय आता है जरूर आए। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, भारत में बनी वैक्सीन बिल्कुल सेफ है।